फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है मंडे, वीक का फर्स्ट डे है आज। और पिको को जस्ट अभी हम लोग स्कूल छोड़ के आ गए। थोड़ी सी जो है ना हड़बड़ाहट हो गई, क्योंकि पिको के साथ में जो है टप्पू भी उठ जाता है, तो फिर इसको भी देखते देखते एंड पिको की भी तैयारियां कर दो। अभी फिलहाल वो इस साल तो मुझे नहीं लगता खुद से कुछ करेगी। उसको ड्रेस पहनने में प्रॉब्लम है, उसको ड्रेस नहीं पहनते जमता है, बाल नहीं बनाते जमते हैं, सब कुछ करके उसको देना पड़ता है। उसका बैग टिफिन सब कुछ पैक करके देना पड़ता है, थोड़ा सा जो है ना ये हो जाता है। आज पिको ने मैगी लेके गई है टिफिन में। मैं उसको रोज रोटी सब्जी दे रही थी, वो कह रही कि सब जन नाश्ता लेके आते थे, आप भी मुझे नाश्ता दो। टीचर कुछ नहीं बोलती है नाश्ते में भी, वरना पहले डांटते थे रोटी सब्जी लाने के लिए कहते थे। मैंने कहा कि चलो सब लोग ला रहे तो तुम भी लेके चली जाओ। ये सुबह सुबह पिको को वॉक पे भी लेके गई थी मैं, उसकी नींद नहीं खुल रही, थोड़ी सी उसको वॉक पे वगैरह लेके गई। अभी हम लोग बना रहे हैं हम लोगों के लिए नाश्ता, तो चलिए बनाते हैं नाश्ता। तो आज जो है वो नाश्ते में बना है मोठ। तो ये जो हरा वाला जो ये होता है ना मूंग जो होता है, ये हरा और ब्राउन कलर में जो आता है हम लोग इसको मोठ कहते हैं। तो इसको जो है ना रात में भिगो के रख के जो है फिर इसका फ्राई बनाया है। आधा जो है ना मैंने ऐसे ही रख दिया है ताकि उसको स्प्राउट्स आ जाए, और बाकी का मैंने यहाँ पे बना लिया है। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 11:15 और हम लोग जाके आ गए हैं पिको के स्कूल से। आज जो है ना मेरे हाथ से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे हाथ से आज, कि मैंने पिको का टिफिन तो पैक कर दिया बट जल्दबाजी में उसको फोक देना ही भूल गई। उसको मैगी दिया है तो एक फोक और स्पून जो है ना मैं उसको देना भूल गई। और हम लोग घर में हैं, मैंने नाश्ता वास्ता बनाया। मैंने जब विवेक के लिए प्लेट निकाली उनको स्पून देने गई, मुझे तब याद आया मैंने पिको को फोक या स्पून कुछ नहीं दिया है, तो वो मैगी कैसी खाएगी। तो वही मुझे लग रहा था कि सारे बच्चों के सामने, मतलब मजबूरन में अगर नहीं फोक स्पून रहा तो वो हाथों से ही खाएगी ना। ऑब्वियसली भूख लगी होती है बच्चों को स्कूल में, क्योंकि बहुत एक्टिविटी हो जाती है बच्चों की, तो वो हाथ से खाएगी। फिर सारे बच्चे मतलब आजू बाजू में जो भी होंगे वो कहेंगे कि कैसे हाथ से मैगी खा रही है, हाथ से नूडल खा रही है, और उसको भी खाने में प्रॉब्लम होगा, कैसे खाएगी वो बिना इससे। तो मुझे वही टेंशन आ रहा था। तो मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब सारे काम वाम छोड़ छाड़ के मैं पहले स्कूल भागी हूँ। एक पेपर में जो है ना मैंने रैप किया है एक फोक और एक स्पून, उसके ऊपर उसका नाम क्लास सेक्शन सब कुछ लिख के जाके मैं अभी ऑफिस में सबमिट कर रहा। टीचर से स्पेशली मिल के मैं उनके हाथ में देने वाली थी बट नहीं मिले, तो मैं ऑफिस में जो है ना जाके दे के आ गई हूँ। तो वो कहते कि टिफिन ब्रेक से पहले हम बच्चों को ले जाके दे देंगे, तो होपफुली कि वो दे दे टाइम से पहले। तो बस आज ये एक हो गया। मतलब क्या होता है ना, अभी टप्पू को भी संभालना होता है, पिकू को भी रेडी करना होता है, तो बहुत हड़बड़ाहट हो जाती है। समझ में ही नहीं आता कि ये करूँ वो करूँ, बहुत जल्दबाजी हो जाती है। और पिकू जो है ना कुछ भी खुद से नहीं करती, वो सुबह के टाइम में लाइक अ स्टैचू खड़ी रहती है। बस उसको कपड़े पहनाओ, उसको ब्रश करो, उसको फ्रेश करवा दो, मतलब ए टू जेड उसको करवा के गाड़ी पर बैठाना पड़ता है। तो इस वजह से थोड़ा सा ये हो जाता है। पर अभी थोड़ा सा दिल में ये लग रहा है कि ठीक है मैंने पहुँचा तो दिया कम से कम। और आते आते थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए थी वो भी हम लोग लेके आ गए हैं। तो सबसे पहले मैं बैठ के नाश्ता करूंगी, क्योंकि 11:30 बजते आ रहे हैं और बहुत अभी जो है धूप से आई हूँ तो बहुत वीक लग रहा है। तो चलिए पहले नाश्ता कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बैठ के जो है मैं नाश्ता कर रही हूँ। थोड़े बहुत मेरे काम हो गए हैं, थोड़े बहुत बाकी है। अभी हम लोग पिको के स्कूल में गए थे तो वहाँ पे फोक वगैरह देना था मुझे, तो मैं वो दे के आ गई। और उसके बाद आते आते जो है ना हम लोगों घर में दूध वगैरह कुछ चाहिए था, वो जो है ना चीज़ें वो लेके जो है ना आ गई हूँ। एंड पिको की जब से नर्सरी से स्कूल स्टार्ट हुई ना, आज फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने पिको को कुछ मतलब खाना दिया और चम्मच वगैरह जो है ना देना भूल गई मैं। तो ऐसा है ना अभी क्या हो गया ना, पिको थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो ऐसा है ना मतलब उसको सब कुछ समझ में आने लग गया है। तो मुझे वही लग रहा था कि वो बिना फोक के नहीं खाएगी, बच्ची भूखी ना वापस आ जाए, बस वही मेरे दिमाग में चल रहा था। और देखिए मैंने कहा था ना, मैं आते आते जो है ना हम लोग थोड़ी बहुत चीज़ें लेके आ गए, जैसे कि पीकू के लिए मास्क लेके आ गए थे, और टप्पू का डायपर ख़त्म हो रहा था डायपर लेके आ गए थे। उसके बाद में मंदिर के लिए हम लोग कलर लेके आ गए थे, मंदिर को जो है हम लोग पेंट करने वाले हैं इस साल। अभी जो है ना 2 दिन के बाद में जो है ना टाकरघाट वाले बिट्टू बाबा है, उनकी जोत चालू होने वाली है चैत्र की। तो 40 दिनों के लिए जो है ना जोत जगाई जाती है घर में, जैसे नवरात्र में जगाते हैं उस तरीके से 1.25 महीने की 40 दिन की जो है ना जोत जगाते हैं घर में। और बाहर से कहीं कुछ खाना खाते नहीं है, बाहर का किसी घर का नहीं खाते हैं, घर में नॉनवेज वगैरह नहीं बनता है, तो इस तरीके से जो है ना हम लोग करते हैं। तो 1.25 महीना कंटिन्यूसली सुबह शाम आरती होती है, तो इस तरीके से। तो बस मंदिर वही ये करना है हम लोगों को पेंट। जब भी दिखाए थे ना ब्रेड, वो ये है टूटी फ्रूटी वाले ब्रेड जो है काफ़ी दिनों के बाद में आए थे ये, मतलब जिस डेयरी से मैं दूध वगैरह लेती हूँ वहाँ पे ये काफ़ी टाइम के बाद में स्टॉक में आए थे। तो पीकू को ये बहुत पसंद है, तो मैं उसका भी एक पैकेट लेके आ गई थी। और पीकू टिफिन से मैगी फिनिश नहीं करके लेके आई थी, तो उसको मैंने मैगी दे दी है।
से जो वो बाकी का लेके आई थी बचा हुआ, तो वो उसके मैंने एक बाउल में निकाल के दे दिया कि तुम इसको खा के फिनिश कर लो। और काफ़ी टाइम के बाद इसको मिलाएं तो वो देख रही है सच में ये घर में तो नहीं बनाया है। तो फिर मैंने उसको कहा कि नहीं मैंने घर में नहीं बनाया, मैं लेके आई हूँ। तो बस उसको विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं ये मिल नहीं रहे थे ये वाले ब्रेड। और यहाँ पे देखो विवेक को मैंने काम पे लगा दिया था, मैंने विवेक को कहा था कि आप मंदिर पेंट कर दो तब तक मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि आफ्टरनून का खाना बनना था विवेक को जो है ना। टिफ़िन देती हूँ मैं, आफ्टरनून की शिफ्ट होती है विवेक की, तो बस उनका टिफ़िन यहाँ पे बनना था। तो मैंने कहा कि आप तब तक पेंट कर लो, मैं तब तक जो है खाना बना लूँगी। और टप्पू जो है ना पेंट करते वक्त बहुत परेशान कर रहा था, थोड़ी देर विवेक संभाल रहे थे, थोड़ी देर मैं खाना बनाते बनाते उसको देख रही थी। ऐसे करते करते हम लोगों ने बहुत हिस्से उसको संभाला है। विवेक पेंट वगैरह करके ऑफिस चले गए थे, उसके बाद में फिर वही मैंने लिविंग रूम की क्लीनिंग जो है वो निकाली हुई थी। मैंने सोचा कि चलो पूरे घर को क्लीन कर लेते, कम से कम लिविंग रूम तो भी क्लीन कर लेते हैं पहले, क्योंकि इसी रूम में जो है वो मंदिर रहता है तो अच्छा नहीं लगता है जोर जगाते हैं और घर क्लीन ना करे कुछ ना करे। तो इस वजह से मैंने सारे सोफे के कवर निकाल के धोने के लिए डाल दिए थे, और साथ ही में पूरे घर में पर्दे जहाँ भी लगे थे वो सब कुछ निकाल के जो है ना धोने के लिए डाल दिए थे। साथ ही में जाली वगैरह जो है ना जहाँ जहाँ लग रहे थे, मुझे वैसे थे नहीं जाले क्योंकि मैं हर 10-15 दिन में जालियाँ निकालते रहती हूँ, तो जालियाँ थे नहीं, बट एक बार जो है ना हाथ घुमाना बहुत ज़रूरी था। साथ ही में यहाँ डस्टिंग कर रही हूँ, मैंने पूरे घर में डस्टिंग की है, पूरे सोफ़े जो है ना हटा हटा के सोफ़े के पीछे से भी मैंने झाड़ू लगाया है, जालियाँ वगैरह निकाली है, और वहाँ से भी पोछा लगा के फिर सोफ़ों को अपने अपने जगह पे रखा है, इस तरीके से किया है। तो बस अभी इसके बाद में एक व्लॉग आएगा, उसके बाद में नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी हम लोग किस तरीके से जो जलाते हैं 40 दिनों के लिए। तो बस यहाँ पे चल रही है मेरी लिविंग रूम की क्लीनिंग। इसके बाद में जो है ना मैंने क्लीन किया लिविंग रूम को, ऐसे करते करते शाम हो गई और उसके बाद मैं बाहर जाके बैठ गई। तो मैंने बाकी का कुछ काम नहीं किया क्योंकि बहुत थके जैसा लग रहा था। तो चलिए इस वीडियो को भी यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल के नेक्स्ट व्लॉग के साथ।